हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्टिंग्विश पढ़ने वाले हैं ई बिज़नेस एंड ट्रेडिशनल बिज़नेस। ई बिज़नेस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस, जो आज के टाइम में इतना फेमस हुआ है। चाहे आप ऑनलाइन परचेस करते हो, चाहे आप किसी ऐप से परचेस करते हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हेल्प लेके आप जो भी कमोडिटी परचेस करो या सर्विसेज परचेस करो, उसे ई बिज़नेस कहा जाता है। ट्रेडिशनल बिज़नेस क्या है? जो आप पिछले बहुत सालों से परचेस करते आए हुए, जैसे अभी आप तो जिस जनरेशन में हो तो वहाँ तो ऑनलाइन सारी चीज़ें आ गई है, बट आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले अपने मम्मी पापा से पूछोगे तो एक ट्रेडिशनल शॉपिंग थी। आज भी ट्रेडिशनल बिजनेस बहुत सारे लोग करते हैं, ऐसे मार्केट से जाके ख़रीद कर लेके आना या मार्केट में आके चीज़ों को पसंद करके लेके आना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रेडिशनल बिजनेस का पार्ट है। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फॉर्मेशन। अब ई बिज़नेस को बनाने के लिए काफ़ी इजी फॉर्म है। देखो आज के टाइम में ना लोग क्या करते हैं, लोग इंस्टाग्राम पे अपने आईडी बनाते हैं, वहीं कपड़े बेच रहे हैं। कहीं किसी घर पे जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं किसी की दुकान पे जाने की, दुकान खरीदने की ज़रूरत नहीं, रेंट देने की ज़रूरत नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल देने की ज़रूरत नहीं। घर पे बैठे बैठे वही सेम इंटरनेट से, इंस्टाग्राम से अपने कपड़े बेच रहे हैं। वो काफ़ी इजी प्रोसेस होता है, जहाँ पे आपको आपके टाइम सेविंग होती है, कॉस्ट बचता है। ट्रेडिशनल बिजनेस की जब बात करते हैं, इट टेक लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स टू फॉर्म। बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। जैसे कि पहले के टाइम में तो लोग एक गांव से दूसरे गांव सर के ऊपर घड़े रख के बेचने जाते थे, या बहुत सारी चीज़ें होती थी तो वो थोड़ा सा ज़्यादा था, या फिर दुकान इस्टेब्लिश करना। दूसरा पॉइंट है सेटिंग अप कॉस्ट। देखो ये बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है, जैसे मैंने बताया सेम इंटरनेट का कॉस्ट यूज़ करके आप कर सकते हो, बट यहाँ पे ट्रेडिशनल जो बिज़नेस होता है वहाँ पे ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सेटअप करने के लिए पैसा तो चाहिए। अब रिस्क की बात करते हैं, रिस्क कितना अमाउंट इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो ई जब बिज़नेस की बात करते हैं तो यहाँ पे हाई रिस्क ऑफ बिज़नेस। देखो यहाँ पे फ्रॉड हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि किसी भी तरीके का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता पार्टीज के साथ। अभी आप किसी शॉप से अगर कपड़े खरीद कर लेके आते हो तो कुछ डिफेक्ट हुआ तो आप जाके उसके मुँह पर मार दो, भाई नहीं चाहिए तेरा, तूने ये किया वो किया। लेकिन अगर जब आप ऑनलाइन कोई चीज़ खरीदते हो, आप किसके मुंह पे मारने जाओगे? क्योंकि किसी भी तरीके का कोई कॉन्टैक्ट नंबर तो मेंशन होता नहीं, आप मैसेज कर करके थक जाओगे, सामने वाले रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, तो व्हाट यू विल डू, है ना? सो नेक्स्ट ट्रेडिशनल बिजनेस, अब ये लेस रिस्की होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पर्सनल इंटरेक्शन होता है। अभी मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन बताया। एरिया कवर्ड ई बिज़नेस जो है वो एंटायर वर्ल्ड को कवर करके रखा है, क्योंकि जो उसका स्कोप है वो काफ़ी वास्ट है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी कोने से आप कोई भी कमोडिटी किसी भी देश से परचेस कर सकते हो, तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। ये काफ़ी लिमिटेड स्कोप है। क्यों? क्योंकि एक लिमिटेड मार्केट है, एक लिमिटेड एरिया है, एक पर्टिकुलर एरिया है, तो इसलिए इसे लिमिटेड स्कोप कहा गया है। नेक्स्ट वन इज कस्टमर इंटरेक्शन। अब ई बिज़नेस में ना एब्सेंस होता है फेस टू फेस इंटरेक्शन का। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। मैं ऐप का नाम नहीं लूँगी। मैंने एक ऐप से ना एक साड़ी परचेस किया था अपनी मम्मी के लिए। यू कैन नॉट बिलीव, एक महीने हो गए ना वो साड़ी मेरे घर पे आ रही है। रोज़ मुझे मैसेज आता है कि दिस विल डिलीवर फ्रॉम 7 to 9 PM, और वो आता नहीं है। मैं रोज़ कॉल पे बात कर रही हूँ कि मेरा पार्सल भिजवा दो या नहीं तो मेरा पैसे ही वापस कर दो, पर कुछ हो ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि कोई फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है वहाँ पे, किसी प्रोड्यूसर का नंबर नहीं लिखा है, पार्टी का नंबर नहीं लिखा है, तो हुम आई हैव टू कॉन्टैक्ट। बट यहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन होने की वजह से चीज़ें काफ़ी इजी और पॉसिबल हो पाती है। नेक्स्ट फिज़िकल इंस्पेक्शन। अब आप किसी भी तरीके के ई कॉमर्स वाले बिजनेस में जाके फिज़िकल इंस्पेक्शन नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप एग्जांपल ट्रेडिशनल बिजनेस में देखते हो, तो जैसे अभी आप एक शॉप में गए, आप शॉप में घुस के पूरे जितनी कमोडिटी है आपने देखा, उसको पहचाना, इसको यूज़ करके देखा, उसको समझा। लेकिन जब ई कॉमर्स की बात आती है तो वहाँ पे आप फ़ोटोज़ देख सकते हो, वीडियोज़ देख सकते हो, या लोगों के रिव्यूज़ पढ़ सकते हो। इससे ज़्यादा आपके हाथ में कुछ होता नहीं है। तो फिज़िकल इंस्पेक्शन का एब्सेंस होता है ई कॉमर्स में, और प्रेजेंस होता है ट्रेडिशनल कॉमर्स में, ट्रेडिशनल बिजनेस में। अब रिसोर्सेज फोकस की बात करते हैं, तो यहाँ पर कैसा होता है कि ई जो बिज़नेस रिसोर्स है वो काफ़ी
डिमांड्स में होता है, क्योंकि आज के टाइम में ना मतलब अब लोग एडवांस होते जा रहे हैं, तो उन्हें मार्केट में जाना एक बोरिंग पार्ट लगता है, जिसकी वजह से लोग डिमांड कर रहे हैं घर बैठे बैठे डिलीवरी के लिए। अब खाना देखो घर आ जा रहा है, तो इसलिए ई कॉमर्स का जो डिमांड है वो बिज़नेस का डिमांड है जो बढ़ते जा रहा है। लेकिन जब ट्रेडिशनल बिज़नेस की बात करते हो तो यहाँ पर सप्लाई साइड का ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि ये इंटरेक्शन करते हुए लोगों को अपना कमोडिटी बेचते हैं। डिलीवरी ऑफ गुड्स देखो इसके लिए टाइम लगता है, क्योंकि 10 दिन का 12 दिन का जैसे डिपेंड करता है कितने दूर से आ रहा है, और ये इंस्टेंट हो जाती है क्योंकि आप दुकान में गए, अपने कमोडिटी परचेस किया, आपने तुरंत ले लिया, तो यहाँ पे किसी भी टाइम टेकिंग का कुछ नहीं होता है। अब यूजर्स की बात करें, इट इज़ यूज टू सेव वैल्यूएबल टाइम एंड मनी। अब आप घर बैठे हो, आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बट आपको चीज़ें भी परचेस करनी है, तो आपने घर बैठे बैठे ऑर्डर किया और कुछ टाइम में आ गया। अब यहाँ पे भी बहुत अपग्रेडेशन आ गया है, जैसे आप उनके प्राइम मेंबर्स बन जाते हो तो विदिन 24 आवर भी डिलीवरी करके दे देते हैं आपको, है ना, ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल है। और इट इज़ एन एंशियंट एंड स्टिल यूजेस वेयर द डिजिटल नेटवर्क इज़ नॉट रीचेबल। जब आप ऐसे कहीं जगह में हो और वहाँ पे आपका नेटवर्क नहीं चल रहा है, उस जगह ये बहुत यूज़फुल होता है ना। इसलिए 100% जो मार्केट है वो ख़त्म नहीं हो रही, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो कितना भी एडवांस हो जाओ, लेकिन कहीं तो ऐसा कोई एरिया होगा जहाँ पे नेटवर्क आपको प्रोवाइड नहीं होगा, उस टाइम में ये चीज़ें काम आती हैं। एक्सेसिबिलिटी, जहाँ पे इंटरनेट या आपके पास पैसा है, 24 आवर अवेलेबल है, लेकिन ये लिमिटेड होता है, जैसे उनका टाइम होगा 10 से 12 या 8 बजे तक 10 बजे तक रात को बंद कर देते हैं, तो इनका एक टाइम लिमिट सेट होता है, टाइम लिमिट से ज़्यादा ये बैठते नहीं हैं। स्कोप की बात करें तो इसका बहुत स्कोप है, विदाउट एनी हैसल, ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बट ऑब्वियस दिमाग तो चाहिए। ये डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसका जो प्रोसेस वो काफ़ी लेंदी एंड थोड़ा सा स्ट्रेची भी होता है, जिसकी वजह से लोगों को पैसा, टाइम, सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इसको पूरा कंप्लीट बनाने में। तो ये थे हमारे ई बिज़नेस और ट्रेडिशनल बिज़नेस। हम अगले वीडियो में नए डिस्टिंग्विश के साथ आएंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। चलिए, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बस आप लोगों के लिए मेहनत करती हूँ मैं। थैंक यू सो मच।